खबर महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं से जुड़ी है। दो साधुओं की हत्या हुई थी पिछले दिनों। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दो साधुओं की हत्या के मामले में महाराष्ट्र के पालघर में जो दो साधुओं की हत्या हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दरअसल ये याचिका जूना अखाड़ा के साधुओं और मृतकों के रिश्तेदारों ने लगाई थी। महाराष्ट्र के पालघर में पिछले दिनों दो साधुओं की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जूनागढ़ अखाड़े के साधुओं और मृतकों के रिश्तेदारों ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किए। तो महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं। दरअसल ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में जूनागढ़ के साधुओं और मृतकों के रिश्तेदारों ने लगाई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनय सिंह जुड़े हैं। विनय, दो साधुओं की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किए हैं, क्या आदेश दिए हैं, क्या कहा गया इस नोटिस में? आपको बता दूं कि पालगांव में जो दो साधुओं की मॉब लिंचिंग के बाद हत्या हुई थी, उसके बाद काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद जूना अखाड़े और साधुओं के रिश्तेदारों ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसको लेकर सीबीआई ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और इसके साथ ही इसी मामले में एक और याचिका एनआईए जांच की मांग को लेकर भी की थी, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अब इस मामले पे दो हफ्ते बाद यानी कि जुलाई में सुनवाई होगी, क्योंकि इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, जिसके बाद कई राजनीतिक मोड़ भी आए थे। इसके बाद अब दरवाजा खटखटाया गया है सीबीआई जांच को मांग को लेकर। याचिकाकर्ता कहना है कि पुलिस जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए सीबीआई जांच की मांग की है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नोटिस का जवाब देना है। चलिए विनय, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।